नौ वी आर स्टार्टिंग दुडे क्लास दट इज एनजा लिंक इम्युनोसॉर्मेंट एसेर वीव टू डिस्कस फो बिफोर द क्लास गुड मॉर्निंग निवेदिता गुड मॉर्निंग बाला साहेब गुड मॉर्निंग राजा गुड मॉर्निंग आदर आनंद अरविंद नौ इन द लास्ट कंटेस्ट जो आपका कंटेस्ट हुआ था जैसे आपने वल्वा फॉर्मेशन पढ़ा सी इलेगन्स में तो इन वल्वा फॉर्मेशन जो भी कंटेस्ट ट्वेंटी वन हुआ था उसके जो विनर्स है जो भी क्वेश्चन वल्वा फॉर्मेशन के थे वो आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किए एंड उसके जो कंटेस्टेंट के विनर्स है वो आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनमें फर्स्ट जो है वो पारुल है ये मणिपुर से कॉन्ग्रेचुलेशन पारुल सेकेंड सुप्रिया है सुप्रिया शर्मा एंड ये मिजोराम से कॉन्ग्रेचुलेसन सुप्रिया एंड रक्षा फ्रॉम द कानपुर सो कॉन्ग्रेचुलेसन रक्षा तो so, सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वर्ल्ड फॉर्मेशन का टॉपिक बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा हुआ है तो so, ये तीनों भी कंटेस्टेंट है तीनों को भी कॉन्ग्रेचुलेस नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे तो दैट इज इलाइजा नाउ इन द इलाइजा तो फुल फॉर्म ऑफ द इलाइजा इज द एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे अभी इस टेक्निक में हम ये जो टेक्निक है इट्स रिलेटेड टू द इम्युनोलॉजिकल टेक्निकयर फॉर इन इम्युनोलॉजी देर इज डिस्कस सम एंटीजेस आर देयर एंड अगेंस्ट सम एंटीजेन देर इज एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस सो हियर वी हैव टू डिस्कस एंटीजेन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन एंड दिस इंट्रेक्शन इट इज हाईली स्पेसिफिक इंट्रेक्शन सो एंटीजेन

It's called as means antibody and sorbent means the antigen assay that today we are the discussing. Now, in the enzyme link immunosorbent assay, so first is the enzyme link. Enzyme link means quick enzyme the enzyme attached to the antibody. So here there is the enzyme. So एंजाइम विच इट्स लिंक और इट्स ऑल्सोज कोवेलेंटली बाउंड टू द एंटीबॉडीज देन इम्यूनो इम्यूनो मींस दर द एंटीबॉडी रिकोगनाइज द स्पेसिफिक एंटीजन मीनस इम्यूनो मीन स्पेसिफिक एंटीबॉडी दे आर अगेंस्ट एंटीजन तो कोई भी एंटीजन आज हम डिस्कस करेंगे कि चाहे वो एचआईवी का एंटीजन हो या चाहे वो एंटीजन साइटोकाइंस करके हो या कोई एंटीजन है कि जो हिपेटिटिस बी वायरस का है सरफेस एंटीजन है तो कोई भी एंटीजन वो एंटीजन उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम यूज करेंगे वो एंटीबॉडी इट इज इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीजन ओनली जो हम यूज करें तो इसे बोलते हैं इम्यूनो इम्यूनो मीन्स एंटीबॉडी रिकोगनाइजिंग द स्पेसिफिक एंटीजन एंड देन देर इज दॉर्बंट तो सॉर्बंट मीन्स एंटीजन तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं एंटीजन ये जो एंटीजन है सो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड एज द सॉर्बंट एंड एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट इट इज एप्सॉप ऑन द प्लास्टिक सर्फेस जैसे हम एलाइजा प्लेट के वेल्स में इन एंटीजेंस को एपसॉप कर रहे हैं तो अभी हमारे पास सॉर्बेंट है जैसे एंटीजन है एंड उस एंटीजन को रिकोग्नाइज करने के लिए कोई एंटीबॉडी है तो दिस एंटीबॉडी रिकोगनाइजिंग दिस एंटीजन अभी ये एंटीजेन ने एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ या एंटीबॉडी बाइंड टू द एंटीजेन आइर इट इज बाइंड नॉट बाइंड हमें डिस्कस करना है विद्प ऑफ द एंजाइम तो एनजाइम हमें बताएगा कि आइदर एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्ट हो चुके हैं या वहां पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है या एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो सकती तो वहां पर इंट्रेक्शन नहीं हो सकता तो यहाँ पे हम एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन देख रहे हैं एंड देर फोर इट्स कॉल्ड एज एंजाइम लिंक इमोनोसोरपेंट ऐसे अभी यहाँ पे अगर एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो चुके हैं तो वहां पे हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं एंड सबस्ट्रेट जो होता है वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है कि जो सबस्ट्रेट पहले कलरलेस होता है जैसे ही उस सबस्ट्रेट को एंजाइम कैटेलाइज करता है दैट सबस्ट्रेट कन्वर्ट इन द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इट इज द कलर्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट इट मे बी कलर्ड इट मे बी फ्लोरेसेंट और केम्यूलिम्यूसेंट जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं एंड प्रोडक्ट अगर फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तो इससे हम डिटेक्ट करते हैं कि यस दैट रिएक्शन इज पॉजिटिव वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी इट इज प्रेजेंट तो ये सिंपल मैकेनिज्म है एलाइजा का एंड इसलिए इसे हम बोलते हैं एनजाइम लिंक इम्यूनो इम्यूनोसॉर्बन ऐसे तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द दिस एंजाइम इज इलाइजा दैट इज हमें आज यहाँ पे कुछ एंजाइम्स को डिस्कस करना है तो आज हम कुछ ऐसे एंजाइम्स डिस्कस करेंगे कि जो इलाइजा में यूज होते हैं आज हम एंटीबॉडीज को डिस्कस करेंगे कि जो एंजाइम से कॉन्जुकेटेड होते एंड आज हम सॉर्बेंट्स एंटीजेंस को भी डिस्कस करेंगे तो कोई पेशेंट्स में वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं वो डिटेक्ट करना है तो हम एलाइजा यूज करते हैं विदिन गिवन सैम्पल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइन यूज करने के लिए भी हम इस टेस्ट का यूज करते तो ये वाइडली यूज टेक्निक है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो आज हम डिस्कस कर करें एंड हियर दिस इज द मेजर टेस्ट के जो मोस्टली यूज होती है डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन और द एंटीबॉडी नाउ लेट्स डिस्कस कि हाउ दिस टेस्ट वर्क्स तो गुड मॉर्निंग टू ऑल हमने आज का क्लास स्टार्ट कर दिया है नाउ फर्स्ट तो इन द एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल यहां पर जो हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे सबस्ट्रेट इट इज कलरलेस हा तो जो हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे दैट सबस्ट्रेट इट इज कलरलेस सबस्ट्रेट एंड दैट सबस्ट्रेट वेन द एनजाइम catalyze the reaction then this colorless substrate it is convert into the colored product so here substrate which is the colorless and say ye substrate ko enzyme catalyze karega that substrate it convert into the कलर्ड प्रोडक्ट तो यहाँ पे हम ऐसे सबस्ट्रेट भी डिस्कस करेंगे कि जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है तो पहले तो प्रिंसिपल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हियर इन प्रिंसिपल फर्स्ट यूज ऑफ एन एंजाइम तो यहाँ पे हमें एंजाइम यूज करना है एंड एंजाइम सिर्फ हमें ये बता रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम एंजाइम यूज करें एंड एंजाइम ये हमें वहाँ पे सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा एंड ये जो सबस्ट्रेट होंगे वो सबस्ट्रेट कलरलेस है तो पहले वो कलरलेस होंगे बट जैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो कलर फॉर्मेशन होगा एंड कलर इफ फॉर्म होता है तो कलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमें ये डिटेक्ट हो जाएगा कि एंटीजन एंड एंट एंटीबॉडी दे आर इंटरेक्टिंग हा काजल मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रिंसिपल अपना इलाइजा का Now, here, हम रिपीट कर रहे हैं। so, here, in principle, आपको सिर्फ इतना याद रखना है हम ये डिटेल में देखेंगे ऐसे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल में हमें कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करनी है तो एंजाइम्स

इन द इलाइजा द मेजर गोल ऑफ द इलाइजा इज डिटेक्शन ऑफ द एंटीजें और एंटीबॉडी इन द सैंपल तो सैंपल में एंटीबॉडी एंड एंटीजेंस आइदर दे आर प्रेजेंट और नॉट ये डिटेक्ट करना है तो हम इंसाइम लिंक इम्यूनोसावरबेंट एसेड को यूज करते हैं तो हियर एनजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे सो लेट्स डिस्कस द प्रिपल इन दिस केस हिस्सर दिस टेक्निकाइली सेंसिटिविटी इट इज सिमिलर टू द रेडियो इम्यूनो एसे हम दोनों भी टेक्निक को डिस्कस करेंगे हम दोनों भी टेक्निक को कंपेयर करेंगे हम पहले एनजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे देख रहे उसके बाद हम रेडियो इम्यूनो ऐसे भी देखेंगे दोनों में डिफरेंस एक ही है कि एंजाइम्स लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में एंजाइम्स को लिंक किया जाता है एंटीबॉडी से एंड एंजाइम्स इट इज़ नॉन टॉक्सिक यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो भी नॉन टॉक्सिक होता है एंड इसीलिए इसको हम वाइडली यूज करते हैं ऑन द अदर हैंड जब हम रेडियो इम्यूनो ऐसे देखेंगे तो रेडियो इम्यूनो ऐसे में हम डिस्कस करेंगे कि वहां पे रेडियो आइसोटोप यूज होते हैं एंड रेडियो आइसोटोप्स दे आर द हजार क्योंकि वो रेज ग्यामा रेज बीटा रेज को इमिट करते हैं एंड जिसके वजह से डीएनए डैमेज होता है तो इसीलिए रेडियो इम्यूनो ऐसे जो है उसके अलावा हम जो सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हैं दैट इज द इलाइजा नाउ हियर तो इन द इलाइजा फर्स्ट डेट इज द एंजाइम्स कौन से कौन से यूज होते हैं एंड सबस्ट्रेट कौन से कौन से यूज होते हैं तो पहले ये डिस्कस करते इन द इलाइजा द फर्स्ट कॉमनली यूज एंजाइम इज द हॉर्स रेडिश पेरॉक्सिडि एंड हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडि ये जो एंजाइम है दिस इज कॉमनली यूज इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एच आर पी एंड दिस एंजाइम इट इज कॉमनली यूज ज इज द एच टू टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो फर्स्ट तो हॉर्स रेडिस इट इज कोवेलेंटली कॉन्जुगेटेड टू द एंटीबॉडी ये एनजेम भी हम यूज करते हैं सेकेंड देर इज द उसके बाद जो सेकेंड एनजाइम यूज किया जाता है इट्स कॉल्ड एज अल्कलाइन फॉस्पटिक्स एंड अल्कलाइन फॉस्पेटेज दिस इज ऑल्सो वाइडली यूज अल्कलाइन फॉस्पेटेज में जो भी सब्स्ट्रेट यूज किया जाता है कि पी नाइट्रोफिन फॉस्पेट एंड अल्कलाइन फॉस्पेट आफ्टर कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट इन टू द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट इट्स फॉर्म इट्स गिविंग द येलो कलर तो पी नाइट्रोफेनॉल प्रोडक्ट बनता है कि जो येलो कलर का फॉर्मेशन करता है एंड इसको हम मेजर कर सकते हैं एट फोर सिक्सटी अल्कलाइन फॉस्पिटेज ये मेजरली टू एंजाइम्स जो वाइडली यूज होते एज वेल एजर देर इज यूज ऑफ कि हम यूज कर सकते हैं बीटा गैलेक्ट्रोसिडीज अभी बीटा गैलेक्ट्रोसिडीज का फंक्शन आपको पता है आपने लैक ओपेरॉन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो लैक ओपेरॉन में जो भी लैक सेड है इट कोर फॉर द बीटा गैलेक्ट्रोसिडीज एंड बिटा गैलेक्ट्रोसिडीज ब्रेक लैक्टोज ये लैक्टोज को ब्रेक करता है एंड गैलेक्टोज। नाउ बीटा गैलेक्टोडि हम यूज कर सकते बट इट इज लीस्ट कॉमन इन द इलाइजा एंड इसके एप्लीकेशन भी हमें पता है कि वो लैक्टोज को भी ब्रेक करता है एज वेल एज एक्स गैल का भी वो ब्रेक डाउन करता है एंड समाइम्स देर इज यूज ऑफ लैक्टो पैरॉक्सीडि तो ये भी लीस्ट कॉमन एंजाइम है

So, suppose this is the antibody and this antibody it is recognized the antigen So, this is the antigen So, this is antigen. एंड एंटीजेन इट इज रिकोगनाइज बाय द एंटीबॉडी नाउ दिस इंट्रेक्शन इज द वेरी हाईली स्पेसिफिक इंट्रेक्शन एंड हियर दिस एंटीबॉडी क्या आदर एंटीबॉडी एंटीजेन को रिकग्नाइज कर रही है क्या नहीं कर रही है इसको रिकोग्नाइज करने के लिए हम यहाँ पे एड करते हैं सेकेंड एंटीबॉडी विच इज दुगेटेड टू द एंजाइम एंड दिस इज अगेंस्ट द प्राइमरी एंटीबॉडी कैसे हो सकता है कि ये जो एंटीबॉडी है इट इज अगेंस्ट प्राइमरी एंटीबॉडी एंड इट इज रिकगनाइजिंग फर्स्ट एंटीबॉडी एंड हियर देर इज प्रेजेंस ऑफ द एनजाइम एंड इस एंटीबॉडी को हमने एनजाइम को लिंक किया है तो दिस इज द प्राइमरी एंटीबॉडी ये प्राइमरी एंटीबॉडी है एंड दिस इज द सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी इट इज द एंजाइम कॉन्जुगेटेड तो दिस इज एंजाइम कॉन्जुकेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी अब वसुदा हम नेक्स्ट देख रहे हैं सबस्ट्रेट भी देखेंगे हम तो हियर देर इज द फर्स्ट देर इज द एंटीजेन इट इज इंट्रैक्टिंग विद द प्राइमरी एंटीबॉडी एंड ये प्राइमरी एंटीबॉडी इट इज प्रेजेंट इन द सैंपल एंड ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एंटीबॉडी आइर इट प्रेजेंट इन सैंपल और नॉट बट आइर इट इज प्रेजेंट और नॉट ये प्राइमरी एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड करते हैं कि जो अगेंस्ट प्राइमरी एंटीबॉडी है जो प्राइमरी एंटीबॉडी को एफसी रीजन को इंटरेक्ट करते सेकेंडरी एंटीबॉडी दे आर लिंक विद द एंजाइम्स तो ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है कि जिनको एंजाइम कॉन्जुगेट किया गया है नाउ दिस इज द एंजाइम तो दिस इज एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड दिस एंजाइम इट इज बाइंड टू द सेकेंडरी एंटीबॉडी नाउ वॉट एपन आइदर एंटीजेन एंटीबॉडी इंट्रैक्ट हो रहे नहीं हो रहे ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एड कर देते दिस इज दट वी एडेड नाउ एज सबस्ट्रेट एडेड सबस्ट्रेट इज द प्रोमो ग

प्राइमरी एंटीबॉडी को भी कॉन्जुगेट किए जा सकते हैं एंड प्राइमरी एंटीबॉडी डायरेक्टली एंटीजन को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड second, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी को भी कॉन्जुगेट किए जाते हैं तो दिस इज द नहीं अभी ना सेकेंडरी एंटीबॉडी डायरेक्ट हम नहीं डाल सकते हम वो आगे टेस्ट में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट नहीं है वो एंटीबॉडी के अगेंस्ट होती है इसलिए हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ओके okay, अभी साउंड ठीक आ रहा है नाउ इन दिस केस हियर सो दिस आर द एंजाइम्स दैट इज यूज नाउ उसके बाद में अभी ये देखते हैं कि सबस्ट्रेट कौन से यूज किए जाते हैं हियर इन द इलाइजा वी कैन डिटेक्ट एंटीजेन और द एंटीबॉडी एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इलाइजा इज क्वालिटेटिव एंड द क्वान्टिटेटिव डिटेक्शन ऑफ द एंटीजेन नाउ इन द क्वालिटेटिव पर्पज हियर वी डिटेक्ट द

प्रेजेंट और अपसेंट तो यहाँ पे क्वालिटेटिव पर्पज के लिए हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि आइदर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है तो सिंपली अगर कोई इन्फेक्शन है या नहीं कि एच का पेशेंट है एंड एच के पेशेंट में उसका एच वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो ये अगर डिटेक्ट करना है तो हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि क्या एच आई वायरस के अगेंस्ट उस पर्सन के बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं अगर एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होंगे एंड वो एंटीबॉडी अगर इलाइजा में डिटेक्ट हो जाए तो ये डिटेक्ट होगा कि यस कि वो जो भी पर्सन है उसमें एच वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है इसका मतलब वो पर्सन एच पॉजिटिव है कि उसमें एच वायरस का इंफेक्शन हो चुका है अगर उस पर्सन में उस एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये डिटेक्ट हो जाएगा कि एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है मतलब इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि हम इम्यून सिस्टम में ऐसे डिस्कस करते हैं कि एंटीबॉडी तभी बनती है जब एंटीजन बॉडी में एंटर होता है एंड डेर फोर यहाँ पे क्वालिटेटिव पर्पज के लिए हम जब डिस्कस करेंगे टेस्ट तो वहाँ पे हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी का प्रेजेंस डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड दर इज द क्वाटिटेटिव परपज इन द क्वांटिटेटिव परपज के देर इज द डिटेक्शन ऑफ डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द एंटीबॉडी कितना क्वांटिटी में एंटीजेन है और कितने क्वांटिटी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है वह हम डिटेक्ट करते हैं तो एलाइजा टेस्ट वी कैन यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी नाउ यूज ऑफ द सबस्ट्रेट जो हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं एलाइजा में तो सबस्ट्रेट में मेजरली जो भी सबस्ट्रेट है दे आर द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंड ये हमने डिस्कस किया है कि वो कलरलेस सबस्ट्रेट होते एंड देन दे गिवस और कलरलेस सबस्ट्रेट इट कन्वर्ट इन टू द कलर्ड प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड प्रोडक्ट नाउ कौन से कौन से सबस्ट्रेट्स हम यूज करते हैं एलाइजा में तो एलाइजा में मेजरली जो भी मोस्ट एंजाइम जो यूज किया जाता है दैट इज हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज ये मेजर एंजाइम है एंड हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज इसके लिए जो सबस्ट्रेट यूज किया जाता है दैट इज द एच टू ओ टू तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सबस्ट्रेट है तो दिस इज हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज

So, ये जो है वो कलरलेस अबस्टेट है एंड व्हेन इट कैटेलाइज बाय एंजाइम इट गिविंग लाइज टू द प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट इज पी नाइट्रोफेनॉल एंड पी नाइट्रोफेनॉल ये जो प्रोडक्ट है दैट पी नाइट्रोफेनॉल इट इज द पी नाइट्रोफेनॉल प्रोडक्ट इट इज कलर्ड प्रोडक्ट एंड कलर्ड मीन्स यहां पर येलो कलर फॉर्मेशन होता है एंड येलो कलर ये जो भी कलर्ड प्रोडक्ट है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय मेजरिंग एब्जॉर्बर्स तो एब्जॉर्ब जो मेजर किया जाता है वो फोर सिक्सटी नैनोमीटर के ऊपर हम एब्जॉर्बर्स को मेजर कर सकते

एलाइजा टेस्ट एंड उसके वेरिएशंस जो यूज़ किए जाते नाउ एलाइजा जो टेस्ट है एलाइजा के हम यहाँ पे थ्री डिफरेंट वेरिएशन डिस्कस करेंगे जैसे फर्स्ट दैट इज़ द इनडायरेक्ट एलाइजा सेकेंड दैट इज द डायरेक्ट दैट इज सैंडविच एलाइजा सो इन इनडायरेक्ट एलाइजा वी हैव टू डिस्कस

तो डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन अभी ये जो एंटीजन है ये एंटीजन ये ट्यूमर मार्कर्स और द एंटीजन फॉर द कि उसके लिए वो डिटेक्ट करते हैं देन थर्ड दैट इज द कॉम्पिटेटिव इलाइजा इन द कॉम्पिटेटिव इलाइजा हियर वी विल डिस्कस दैट देर इज द डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन के एंटीजन को ही हम डिटेक्ट करते हैं सो दिस इज द वेरिएशंस ऑफ द इलाइजा वेरिएशन ऑफ एलाइजा में यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इलाइजा को डिस्कस करेंगे ना इनडायरेक्ट इलाइजा में यहाँ पे हमें क्या डिटेक्ट करना है कि हम एंटीजन को कोट कर रहे हैं एंड डिटेक्ट करनी है हमें एंटीबॉडी सो दिस इज द एंटीजेन दैट इज डिटेक्टेड और इट इज कोट एंड एंटीजन जो प्रेजेंट है जो कोट के हैं उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी टैंपल में प्रेजेंट है या नहीं है ये हमें डिटेक्ट करना है तो इसे हम इनडायरेक्ट इलाइजा बोलते हैं देन सेकेंड दैट इज देंडविच इलाइजा इन सैंडविच सैंडविशलाइजर हियर द एंटीजन इट इज़ सैंडविच इन बिटवीन टू डिफरेंट एंटीबॉडी तो ये जो कैप्चर एंटीबॉडी जो हमने यहाँ पे अटैच किए तो दिस इज द कैप्चर एंटीबॉडी कैप्चर एंटीबॉडी इट इज स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। अगर सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो एंटीजन। तो दिस इज द एंटीजन ट इफ इट इज प्रेजेंट इन सैम्पल देन इट इज एटैच टू द कैप्चर एंटीबॉडी एंड देन जैसे ही एंटीजेन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन होगा उस एंटीजेन को अगेन्ट सेकेंडरी एंटीबॉडी इंट्रैक्ट करती एंटीबॉडी इट इज लिंक विद द एंजाइम तो इफ एंटीजेन इट इज सैंडविच बिट्वीन टू एंटीबॉडीज

सैंपल कि हम यहाँ पे एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं कि क्या सैंपल में एंटीबॉडी प्रेजेंट है क्या जैसे सिंपली अगर हम एग्जाम्पल लें कि कोई पेशेंट है कि जो एच पेशेंट है एंड हमें यह डिटेक्ट करना है कि क्या उस पेशेंट में एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है क्या तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट एच वी कैन

एच आई वी एंटीजे जो एच आई वी के एनवलप जो है उसके अगेंस्ट ये जो एंटीजन है ये हमने कोट किया है प्लेट के ऊपर नाउ जैसे हम एंटीजन को कोट करते हैं सो दिस इज द एंटीजन कोटेड प्लेट देन एक्सेस एंटीजन हम वॉश आउट करते एंड हम सैंपल को ऐड करते हैं तो फर्स्ट एक्सेस एंटीजन इट इज वॉश आउट एंड एडिशन ऑफ द सैंपल तो यहाँ पे हमने क्या किया एड किया सैंपल तो सैंपल दैट इज सीरम सैंपल दैट वी एडेड नाउ ये जो सैंपल है वो पेशेंट का है एंड हमें ये डिटेक्ट करना है कि जो एंटीजन हमने कोट किया है उस एंटीजन के अगेंस्ट उस सैंपल में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं अगर वो एंटीबॉडीज सैंपल में प्रेजेंट होंगे तो वो एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगे अगर वो एंटीबॉडी सैंपल में प्रेजेंट नहीं होंगे तो एंटीजन से कोई भी एंटीबॉडी इंटरेक्ट नहीं करेगी तो एंटीजन फ्री रहेंगे तो हमने ऐड किया सैंपल अभी जैसे हमने सैंपल ऐड किया सैंपल ऐड करने के बाद नाउ एंटीबॉडीज दे आर बाइंड टू द एंटीजन सो सीयर हिर देर इज द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी यहाँ पे एंटीबॉडीज उस एंटीजन से बाइंड हो गए नाउ ये एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड हो चुके हैं इसका मतलब ये एंटीबॉडी कहां पे प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है सैंपल में तो सैंपल में से एंटीबॉडी द इंट्रैक्ट विद द एंटीजन तो उस पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है नाउ ये एंटीबॉडी बाइंड हो चुके अभी जो भी सीरम सैंपल है जो एक्सेस एंटीबॉडी होंगे उनको हम वॉश आउट कर देते एंड जैसे वॉश आउट करते हैं वॉश करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी क्योंकि अभी हमें यह देखना है कि क्या एंटीजन को प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो चुके हैं नहीं हो चुके एंड इसलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं एडिशन ऑफ एंजाइम कॉन्जुकेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी हम ऐड करते हैं अब देखो प्राइमरी एंटीबॉडी पहले से बाइंड है तो दीज आर द प्राइमरी एंटीबॉडीज जो पहले से ही बाइंड है अभी प्राइमरी एंटीबॉडी अगर पहले से बाइंड है तो प्राइमरी एंटीबॉडीज को यहां पे इंट्रैक्ट करते हैं एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडीज नौ सेकेंडरी एंटीबॉडीज सो हियर दिस इज द एनजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी तो ये बाइंड हो गए प्राइमरी एंटीबॉडी को एंड ये एफ सी रीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होते हैं सो दीज आर द नाउ प्राइमरी एंटीबॉडी एंड ये प्राइमरी एंटीबॉडी कहाँ पर प्रेजेंट थे तो so, ये एंटीबॉडी जो थे वो सैम्पल में थे दिस एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन तो एंटीजन को तो हमने कोट किया था प्राइमरी एंटीबॉडी दे आर प्रेजेंट विद इन द सैंपल यह एंटीबॉडी बाइंड हो गया एंटीजन को अभी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुई या नहीं ये चेक करने के लिए हमने एड किए एनजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी सो दीज आर एनजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ऐड करते तो एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी ये प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन के अगेंस्ट है अगेंस्ट है अगेंस्ट है तो जो भी सेकेंडरी एंटीबॉडीज होते हैं इन्हें एंटी आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट एंटीबॉडी बोलते हैं क्योंकि वो आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स को जाके इंट्रेक्ट करते ना ये सेकेंडरी एंटीबॉडी दे आर द एंजाइम लिंक तो ये एंजाइम लिंक है लवली मिश्रा प्राइमरी एंटीबॉडी तो सैंपल के है उसको हम एंजाइम कपल नहीं कर सकते हमें तो पता भी नहीं है सैंपल में वो है या नहीं देन प्रवीण नो no, प्रवीण सेकेंडरी एंटीबॉडी जो हम ऐड करते प्राइमरी एंटीबॉडी पेशेंट्स में होते हैं देन प्राइमरी एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में थी जो एंटीजन को इंटरेक्ट किया सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने ऐड किया है कि जो एंजाइम कॉन्जुगेटेड है नाउ अभी वो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी को बाइंड हुए नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे सो हियर नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट सो हियर वी ऐड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट तो सपोज यहाँ पे जो एंजाइम हमने ऐड किया था वो एंजाइम सपोज अगर हमने बोला कि वो जो एंजाइम था ये एंजाइम था अल्कलाइन फॉस्पटि तो सपोज एंजाइम जो है वो अल्कलाइन फॉस्पटेज है नाउ दैट अल्कलाइन फॉस्पटेस ये हमने ऐड किया है एंड क्रोमोजेनिक सब्स्टेट हमने ऐड किया है पी एन पी पी तो नाइट्रोफिनिल फॉस्पेट हमने ऐड किया है तो पी नाइट्रोफिनिल फॉस्पेट नाउ जैसे हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं देन देर इज सबस्ट्रेट इट इज कन्वर्ट इन टू द प्रोडक्ट अभी देखो क्या हुआ एंटीजन को हमने कोट किया था तो एंटीजन जो कोट किया था वो हमने कोट किया था एंड वो एंटीजन जो है वो एच आई वी का एंटीजन था देन यहां पे तो दिस इज एच आई वी एंटीजन देन हमने पेशेंट का सीरम सैम्पल लिया जिसमें उस एच आई वी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट थे तो दिज आर द एंटीबॉडी दे आर प्रेजेंट इन दीरम तो दीज आर टर्म एज द प्राइमरी एंटीबॉडी जो एंटीजन से इंट्रैक्ट हो गए ना <laughs> हो जैसे ही प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन से इंट्रैक्ट हो गए देन ये प्राइमरी एंटीबॉडी इंटरेक्ट हुए नहीं हुए उनको देखने के लिए हमने क्या किया सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किए तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी दे इंटरेक्ट विद द प्राइमरी एंटीबॉडी तो दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी दे इंटरेक्ट विद प्राइमरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक विद द एंजाइम एंड यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज किया था हमने सपोज दिज आर द Now, हमने यूज़ किया एंड आर द सेकेंडरी एंटीबॉडी तो सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक विद द अल्कलाइन फॉस्पिटिज एंड हमने सबस्ट्रेट ऐड किया है Now, हुआ क्या जैसे हम सबस्ट्रेट ऐड करते पी नाइट्रोफिनील फॉस्फेट हमने ऐड किया यह सबस्ट्रेट

फॉर्म द येलो कलर सो दिस इज पी नाइट्रोफेनोल इट इज येलो कलर्ड प्रोडक्ट एंडेर फोर होता क्या है कि जब सबस्ट्रेट होगा जब एनजाइम होगा तो ही एनजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा एंड इसीलिए यहां पर एक बार कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव टेस्ट है मीन्स उस पर्सन में जो भी सीरम सैंपल हमने लिया था उस पेशेंट में एच आई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो इसका मतलब उस पेशेंट को एच का इंफेक्शन हो चुका है तो दिस इज द इनडायरेक्ट इलाइजा इनडायरेक्ट इलाइजा में हम एंटीजन को कोट करते हैं एंड सीरम में जो एंटीबॉडीज है उसको डिटेक्ट करते हैं तो दिस इज द इनडायरेटीलाइजर आर क्योंकि सेकेंडरी एंटीबॉडी ये प्राइमरी एंटीबॉडी के आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स के अगेंस्ट है इसलिए वो बाइंड होते हैं। तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज दे आर मेड इन द लैबोरेटरी एंड दे आर अगेंस्ट द प्राइमरी एंटीबॉडी आइसोटाइपिक डिटर्मिनेट्स तो दिस इज द इन डायरेक्ट इलाइजा दैट वी डिस्कस नउ सेकेंड टाइप ऑफ द इलाइजा दैट इज कॉल्ड एज सैंडविच इलाइजा नौ इन द सैंडविच इलाइजा हियर विटेक्ट द एंटीजे इनडायरेक्ट इलाइजा में हमने एंटीबॉडी डिटेक्ट की यहां पर हम एंटीजेन को डिटेक्ट करते हैं नौ टेन तो हियर वी कैन डिटेक्ट द ट्यूमर मार्कर्स As well as we can detect the hormones, as well as we can detect the cytokines. So, serum proteins that is, we can detect cytokines present in the serum, that also we detect, as well as here there is detection of the different proteins which is present in the blood. जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो दिस इज द सैंडविच इलाइजा नाउ इन द सैंपल एंटीजेंस इन द सैंपल बाइंड्स टू द कैप्चर एंटीबॉडी तो यहां पे हम एंटीजेंस को टारगेट करें एंटीजेंस को डिटेक्ट करें एंड इसलिए यहां पे हम जो एंटीबॉडीज यूज करते हैं उन एंटीबॉडीज को बोलते हैं कैप्चर एंटीबॉडी तो सैंडविच इलाइजा सो लेट्स डिस्कस हाउ सैंडविच इलाइजा टेस्ट वर्क नवीन द सैंडविच इलाइजा फर्स्ट देर इज प्लेट, इलाइजा प्लेट जिसके वेल्स में हम एंटीबॉडीज को कोट करते सो दिस इज द एंटीबॉडी कोटेड वेल फर्स्ट हमने कोट किया है एंटीबॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एज कैप्चर एंटीबॉडी तो दिस इज कैप्चर एंटीबॉडी न होता क्या है कि कैप्चर एंटीबॉडी दे आर अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन की जो हमें डिटेक्ट कर रहे हैं जैसे साइटोकाइन तो है एंड साइटोकॉइन तो हमें डिटेक्ट करना है तो अगेंस्ट स्पेसिफिक साइटोकाइन तो हमने कैप्चर एंटीबॉडीज को वहाँ पे एड किया है अभी एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज जो है हम वॉश आउट कर देते हैं एंड जो भी साइटोकाइन हमें मेजर करना है वो साइटोकाइन का हम एडिशन करते हैं सो हियर एडिशन ऑफ द सैंपल कंटेन आइदर एंटीजन अगेंस्ट द एंटीबॉडी न होता क्या है कि सैंपल में अगर एंटीजन प्रेजेंट है जैसे साइटोकाइन प्रेजेंट है तो वो साइटोकाइन इफ इट इज प्रेजेंट इन द सैंपल देन इट बाइंड टू द कैप्चर एंटीबॉडी अगर वो सैंपल में प्रेजेंट ही नहीं एंटीजन, तो कैप्चर एंटीबॉडी को कोई भी एंटीजन बाइंड नहीं होगा तो इफ द एंटीजन इज प्रेजेंट देन एंटीजन बाइंड टू द कैप्चर एंटीबॉडी तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ एंटीजन बाइंड टू कैप्चर एंटीबॉडी नाउ हियर देन इन दिस केस जैसे हमने एंटीजन ऐड किया एंटीजन ऐड करने के बाद हमने वहाँ पे देखा सैंपल में कि एंटीबॉडी को एंटीजन बाइंड हुआ है नहीं हुआ है देन वी वॉश इट कि हमने वॉश कर दिया तो एक्स्ट्रा जो भी एंटीजन है वो एक्स्ट्रा एंटीजन दैट इज वॉश आउट एंड जैसे एंटीजन वॉश आउट हुआ अभी वो एंटीजन बाइंड हुआ है नहीं हुआ है उसको देखने के लिए हमने सेकेंडरी एंटीबॉडीज को यूज किया तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज तो हियर एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज तो यहां पे हमने एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज यूज किए नाउ जैसे हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज यूज करते हैं अभी ये सेकेंडरी एंटीबॉडी भी एंटीजन को ही बाइंड हो रहे हैं बट वो एंटीबॉडीज डिफरेंट इपिटोब्स को इंट्रैक्ट कर रहे तो हियर हियर दिस इज द कैप्चर एंटीबॉडीज सो दिस आर फर्स्ट कैप्चर एंटीबॉडी दैट वी यूज देन सेकेंड सो दिस आर कैप्चर एंटीबॉडी कि जो हमने यूज किए सेकेंड कैप्चर एंटीबॉडी दे आर इंटरेक्टिंग विद द एंटीजन तो इन दिस केस द एंटीजन विच इज प्रेजेंट इन द सैंपल कि ये सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन कि जिससे कैप्चर एंटीबॉडी इंटरेक्ट करे एंड थर्ड उस एंटीजन को अलग से सेकेंडरी एंटीबॉडी इंटरेक्ट करे कि जो एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजेन है एंड जिसको एंजाइम कॉन्जुगेटेड है सो हियर देर इज इंफ्रेक्शन्स ऑफ दीज आर द एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज सो दीज आर एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड दे आर अगेंस्ट द एंटीजेन सो दीज आर द एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन तो ये एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी है कि जो एंटीजन के अगेंस्ट तो वो भी एंटीजन को बाइंड हो गए नाउ हमने एंजाइम ऐड कर दिया अभी एंटीबॉडी को एंटीजन बाइंड हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए हम क्या करते हैं क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट ऐड करते हैं तो सपोज यहाँ पे भी हमने जो एनजाइम यूज़ किया था वो अल्कलाइन फॉस्पटेस था तो हमने क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट ऐड किया सबस्ट्रेट इज द पी एन पी 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 नाइट्रोफिन फॉस्पेट जो सबस्ट्रेट हमने ऐड किया एंड देन हियर जैसे हमने सबस्ट्रेट ऐड किया यहाँ पे देर इज द कलर्ड रिएशन कलर्ड प्रोडक्ट हो मीन्स वॉट कि पहले हमने एंटीबॉडी को कोट किया था

तो यहाँ पे ये सैंपल को बाइंड हो गए देन वो एंटीजन एंटीबॉडी को बाइंड हुआ है नहीं हुआ है वो देखने के लिए हमने यहां पे एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज को एड किया तो हियर देर इज द एडिशन ऑफ द एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी तो एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी दे इंटरेक्टिंग विद द एंटीजन तो डिफरेंट इपिटोप ऑफ द एंटीजन कि जिससे इंटरेक्ट करते हैं एंड एंजाइम जो हमने यहां आर एंजाइम कियाटेड एंटीबॉडी एंड यहां पे जो हमने एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ऐड किए वो इसलिए ऐड किए कि हमें एंटीजन एंटीबॉडी को बाइंड हुआ है नहीं हुआ है वो डिटेक्ट करना है इसलिए हमने एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज को ऐड किया नाउ इन दिस केस जैसे हम एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ऐड करते हैं नाउ एंजाइम इज अल्काइन फॉस्पेटिज नाउ सेम एंजाइम इफ वी कॉन्जुगेट विद द एंटीबॉडी तो अल्कलाइन फॉस्पेटिज क्या करेगा अलकालाइन फॉस्पटि ये कन्वर्ट कर देगा पी नाइट्रोफिन फॉस्फेट को इंटू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज द पी नाइट्रोफेनॉल इट कन्वर्ट इन टू द प्रोडक्ट पी नाइट्रोफेनॉल एंड पी नाइट्रोफेनॉल इट इज द कलर्ड प्रोडक्ट एंड देर फॉर यहाँ पे जैसे पी नाइट्रोफेनॉल इज फॉर्म तो कलर्ड रिएशन फॉर्मेशन होगी तो ये येलो कलर फॉर्मेशन होता है एंड येलो कलर जैसे फॉर्मेशन होता है इसको हम मेजर कर सकते हैं फोर सिक्सटी नैनोमीटर के ऊपर सो मेजर प्रोडक्ट एट 460 सिक्सटी नैनोमीटर तो एब्जॉर्बेंस हम चेक कर सकते हैं तो ये जो रिएक्शन है कि जहाँ पे अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर एंटीजन को आप देखोगे तो दिस इज द कैप्चर एंटीबॉडी तो एक कैप्चर एंटीबॉडी है एंड कैप्चर एंटीबॉडी एंड द एंजाइम लिंक एंटीबॉडी उसके बीच में जो एंटीजन है वो एंटी anti प्रेजेंट है सो एंटीजन इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू डिफरेंट एंटीबॉडीज देयर फॉर दिस एलाइजा इट इज कॉल्ड एज सैंडविच एलिज़ा। तो एंटीजन इट इज सैंडविच बिटवीन टू डिफरेंट एंटीबॉडी एक तो कैप्चर एंटीबॉडी है एंड एक तो एंजाइम कॉन्जुएटेड एंटीबॉडी फॉर इट इज कॉल्ड एज सैंडविच इलाइजा सैंडविच इलाइजा इट इज प्ले मेजर रोल इन द डिटेक्शन ऑफ द साइटोकाइन कॉन्सेंट्रेशन जो सैंपल में होगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एलाइजा हमने डिस्कस किया फर्स्ट इनडायरेक्ट एलाइजा में हमने एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया था सैंडविच इलाइजा में हमने एंटीजेन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट किया है नाउ थर्ड तो थर्ड दैट इज द कॉम्पिटेटिव इलाइज़ा। नाउ इन द कॉम्पिटेटिव इलाइजा हियर देर इज इट इज यूज टू डिटरमाइन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है इलाइजा भी एंड इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजेन हम डिटेक्ट कर सकते हैं

यहाँ पे हम दो डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन यूज करते हैं एंटीजेंस में एक तो होता है नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन जो हम यूज करते हैं तो देर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन सीरम एंटीजन तो यहाँ पे दो एंटीजेंस हैं एक तो सीरम में एंटीजन है ये एंटीजन अननोन नोन कॉन्सेंट्रेशन है तो एंटीजन प्रेजेंट इन द सीरम इट इज अननोन कॉन्सेंट्रेशन एंड बाउंड एंटीजेन जो हमने यहां पे नॉन कॉन्सेंट्रेशन एंटीजन है बाउंड और इट्स इट्सो कॉल्ड एज लेबल्ड एंटीजन दिस इज लेबल्ड एंटीजन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड दिस इज द नोन कॉन्सेंट्रेशन तो यहां पे हम दो डिफरेंट टाइप के एंटीजें हैं एंड ये एंटीजें सेम एंटीबॉडी को बाइंड होते हैं तो एंटीबॉडी एक ही है बट ये एंटीबॉडी को एंटीजन बाइंड होते हैं एक तो बाउंड है एंड एक तो अनबाउंड है एंड ये एंटीजेंस की कॉम्पिटिशन होती है तो जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वही एंटीबॉडी को इंटरेक्ट करेगा एंड जो भी बाइंड होगा उसके ऊपर हम प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर कि एब्जॉर्बेंस कितना आया उसके बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सैंपल में अनलेबल्ड या अनबाउंड एंटीजन कितना है तो अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीजन

एंटीजन प्रेजेंट इन सैंपल एंड द बाउंड एंटीजन कि जो भी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड द सैंपल प्रेजेंट इन थीरम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड देर फोर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर सैंपल में अननोन एंटीजन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस कम आएगा एंड सैंपल में अननोन एंटीजन कम होगा तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आएगा तो इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नाउ हियर इन द कॉम्पिटिटिव इलाइचा देर इज द वेन सीरम एंटीजन की जो इंक्रीज होगा सैंपल का रिजल्ट इन रिड्यूस बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन एंजाइम कॉन्जुगेट विथ कैप्चर एंटीबॉडी एंड प्रोड्यूसिंग लेस एंजाइम एक्टिविटी एंड कलर फॉर्मेशन क्योंकि सैंपल अगर सीरम में ज्यादा है फाइनल so, जो भी कलर प्रोडक्शन है वो बहुत कम होगा क्योंकि सीरम का जो सैंपल का एंटीजन है वो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा एंटीबॉडी से नाउ लेट्स डिस्कस इलाइजा कैसे किया जाता है तो so, सपोज हमने दो कंडीशंस लिए एक तो एंटीजेंस जो है वो सैंपल में ज्यादा प्रेजेंट नहीं है सो नो एंटीजन प्रेजेंट इन सैंपल तो इन दिस केस सपोज सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो नो एंटीजन प्रेजेंट इन सैंपल प्लस उस सैंपल में हमने ऐड किए एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन अभी ये प्री इनोकुलेशन है कि प्री इनोकुलेट एंटीबॉडी विथ एंटीजन टू बी मेजर जो भी एंटीजन हमें मेजर करना है इसको हम प्री इनोकुलेट करते हैं एंटीबॉडी के साथ अभी होगा क्या कि सैंपल में कुछ भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी से कोई एंटीजन बाइंड ही नहीं रहेगा तो एंटीबॉडीज फ्री रहेंगे अभी इस मिक्सचर को सैंपल कंटेन नो एंटीजन एंड विथ एंटीबॉडी मिक्सचर दैट एडेड इन टू द एंटीजन कोटेड वेल हमने क्या किया इस सैंपल को एड किया एंटीजन कोटेड वेल में नाउ जैसे हमने उसको एंटीजन कोटेड वेल में एड किया एंटीबॉडी फ्री थे क्योंकि सैंपल में कोई एंटीजन नहीं था तो जब एंटीजन एंटीबॉडी फ्री थे तो वो एंटीबॉडी जो फ्री एंटीबॉडी वो क्या करेंगे दे इंटरेक्ट विद द सैंपल विद द एंटीजन कोटेड विद द प्लेट तो ये एंटीबॉडी सारे इंटरेक्ट करेंगे कोटेड एंटीजन से नाउ ये एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन है ये नॉन कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज नॉन कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी जो एंटीजन हमने कोट किया है वो एंटीजेन वो भी नॉन कॉन्सेंट्रेशन है जो कोट किया हुआ एंटीजन है एंड अनोन सैंपल का जो भी एंटीजन है यह अनोन है तो so, दो नॉन कॉन्सेंट्रेशन को हम एक वेरिएबल पैरामीटर है अननोन कॉन्सेंट्रेट इससे हम डिटेक्ट करेंगे नाउ इन दिस केस सपोज में कोई एंटीजन नहीं था तो एंटीबॉडी फ्री रहेंगे एंड एंटीबॉडी जो भी फ्री थे वो कोटेड एंटीजन से बाइंड होंगे अभी उसके बाद सेम जो हमने इनडायरेक्ट एलिज़ा में किया वही हम यहाँ पे भी करें तो जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुए या नहीं हुए वो देखने के लिए हम क्या करते हैं एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं तो सी दिस इज द एंटीजन तो एंटीजन को अभी बाइंड हो चुके हैं एंटीबॉडीज क्योंकि सैंपल में कोई एंटीजन नहीं था तो सारे एंटीबॉडी कोटेड एंटीजन को बाइंड हो गए अभी उन एंटीबॉडीज को बाइंड होते हैं सेकेंड एंटीबॉडीज दैट इज एंजाइम लिंक एंटीबॉडी क्योंकि वो उनके एफसी रीजन के अगेंस्ट है तो दीज आर सेकेंडरी एंटीबॉडीज कि जो एंजाइम लिंक है सपोज यहां पे जो एंजाइम हमने लिया है सेम अल्कलाइन फॉस्पिटिज हमने एंजाइम लिया है तो अल्कलाइन फॉस्पेटिस जो एंजाइम हमने लिया है नाउ यहां पे अल्कलाइन फॉस्पिटिस को हमने ऐड किया है एंड ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो हमने ऐड किए थे एंड एंटीजन जो है वो भी कोट हमने किया हुआ है क्योंकि सैम्पल में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था सो so, ये एंटीजन जो है एंड ये दोनों भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉन कॉन्सेंट्रेशन नाउ देखो कि दो नॉन कॉन्सेंट्रेशन है एंड यहाँ पे सारे एंटीबॉडीज कोटेड एंटीजन को बाइंड हो गए तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कॉन्जुगेटेड विथ एंजाइम थे वो भी एंटीबॉडीज बाइंड हो गए देन वी एट द सबस्ट्रेट एडिशन ऑफ द पी नाइट्रोफिन फॉस्पेट क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट हमने एड किया जैसे हमने क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट एड किया द क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट विच इज कन्वर्ट इन टू द कलर्ड प्रोडक्ट तो यहां पर दीज आर द एंटीजेन तो यह एंटीजेन था कि जो हमने कोट किया था देन सेकेंड दिस इज द एंटीबॉडी के जो सैंपल में हमने जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी है जो एंटीजन को बाइंड हो गई तो दिस इज एंटीबॉडी नाउ सेकेंड एंटीबॉडी बाइंड हुए नहीं उसको चेक करने के लिए हमने सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड किए दीज आर द सेकेंडरी एंटीबॉडीज

and substrate it convert into the product and product it is colored now hua kya here so here so in this case ki jab sample mein koi antigen nahi tha to sare antibody free rahenge and सारे antibody free रहेंगे तो वो free antibody सारे coated antigen से bind रहेंगे कोटेड एंटीजन से अगर एंटीबॉडी बाइंड हो गए तो उन एंटीबॉडीज को रिकोगनाइज करने के लिए हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड करेंगे एंड ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज है दे आर द एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी इन एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ हम ऐड कर देते सबस्ट्रेट नाउ जैसे हमने सबस्ट्रेट ऐड किया तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट एंड यहां पे जो भी एब्जॉर्बेंस आएगा वो एब्जॉर्बेंस जो होगा वो हाई कलर फॉर्मेशन होगा तो हाई कलर्ड रिएक्शन फॉर्मेशन होगी एंड हाई कलर्ड रिएक्शन मींस इन दिस केस तो यहां पे जो एब्जॉर्बेंस आएगा वो हाई एब्जॉर्बेंस आएगा क्योंकि सैंपल में कोई भी एंटीजन नहीं था इसलिए फ्री एंटीबॉडी सारे कोटेड एंटीजन को बाइंड हो गए। नाउ इसी को अगर कंपेयर करें कि सपोज सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट था तो इन सेकेंड केस तो सपोज फर्स्ट केस में हमने ये डिस्कस किया कि इस केस में यहां पे हाई एब्जॉर्बेंस आया तो हियर देर इज द एब्जॉर्बेंस आया हाई तो हाई एब्जॉर्बेंस अगर आता है तो इसका डायरेक्टली मीनिंग ये होता है कि सैंपल में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि सैंपल में एंटीजन नहीं है इसलिए हाई ऐब्जॉर्बेंस आ रहा है क्योंकि एंटीबॉडी जो सैंपल में हमने ऐड किए थे वो सारे कोटेड एंटीजन को बाइंड हो गए एंड इसीलिए यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही पता चला कि सैंपल में एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा क्योंकि हाई एब्जॉर्बेंस आ रहा है सपोज हम सेकेंड केस लेते हैं सेकेंड केस में हमें पता चलेगा कि कैसे एंटीजन डिटेक्ट होगा सपोज सेकेंड केस में हमने क्या किया कि अननोन एंटीजन प्रेजेंट इन द सैंपल ये हमने लिया नाउ अननोन एंटीजन जो था जो सैंपल में था सपोज देर इज द हाई अननोन एंटीजन इज प्रेजेंट सो सपोज हियर

क्या हुआ कि सैंपल में जितना एंटीजन होगा वो एंटीजन सैंपल के ही एंटीबॉडीज से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो देखो यहां पे एंटीजन कुछ प्रेजेंट था सैंपल में तो वो एंटीजन इट बाइंड टू द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द सैंपल तो जो हमने एंटीबॉडीज ऐड किए थे पहले से कुछ एंटीजन उस एंटीबॉडी को बाइंड हो चुका है अभी ये एंटीबॉडी को एंटीजन बाइंड हो चुका तो ये एंटीबॉडी ब्लॉक हो चुके अभी ये एंटीबॉडी कोटेड एंटीजन से इंट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ब्लॉक हो चुके हैं सो हियर देर इज हमने इस मिक्सचर को ऐड कर दिया कोटेड प्लेट के साथ में जैसे हमने कोटेड प्लेट के साथ में इस मिक्सचर को ऐड किया ऐड करने के बाद में अभी यहाँ पे हमने ये मिक्सचर ऐड किया अभी ऐड करने के बाद क्या हुआ अभी ये एंटीजन है दिस एंटीजन इज एडेड एंड ऐड करने के बाद अभी इस कंडीशन में अभी कुछ एंटीबॉडी पहले से ही एंटीजेंस को बाइंड थे तो एंटीबॉडी दे आर इंट्रैक्टिंग विथ तो इंट्रैक्ट विथ सैंपल एंटीजन तो ये एंटीबॉडी सैंपल एंटीजन के साथ इंट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो एंटीबॉडी तो ब्लॉक हो गए वो वोटेड एंटीजन के साथ इंट्रैक्ट ही नहीं हो सकते नाउ जो एंटीबॉडी फ्री थे अभी देखो कुछ एंटीबॉडी यहाँ पे फ्री है वो एंटीबॉडी के जो सैंपल में फ्री रहेंगे वो एंटीबॉडी इंट्रैक्ट करेंगे सैम्पल के एंटीजन से जिनको जिन एंटीबॉडीज को सैंपल में एंटीजन बाइंड नहीं होगा वही एंटीबॉडीज से इंटरेक्ट करेंगे कोटेड uh, एंटीजन से जो भी एंटीबॉडी पहले से ही सैंपल के एंटीजन से बाइंड है वो एंटीबॉडी कोटेड एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा सैंपल में एंटीजन होगा उतने ज्यादा एंटीबॉडी सैंपल के एंटीजन से बाइंड होंगे एंड उतने कम एंटीबॉडी कोटेड एंटीजन से बाइंड होंगे एंड इसीलिए ये जब हम ऐड करते हैं मिक्सचर उसके बाद एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज को हम वॉश करते नाउ देखो यहाँ पे ओनली सम एंटीबॉडीज दे आर इंटरेक्टिंग विद द कोटेड एंटीजन तो फ्यू एंटीबॉडीज जो फ्री थे सैंपल में वही कोटेड एंटीजन से इंटरेक्ट हुए नाउ जैसे ही वो कोटेड एंटीजन से इंटरेक्ट हो चुके इसके बाद अभी हमने ऐड किए एंजाइम लिंक एंटीबॉडीजेड एंजाइमलिंग सेकेंडरी एंटीबॉडी जैसे हमने एनजाइमलिंग सेकेंडरी एंटीबॉडीज एड किए उसके बाद हमने एड किया सबस्ट्रेटर दीज आर द एंटीजेन जो हमने कोट किया था एडिशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी देन एडिशन ऑफ एंजाइमलिंग सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड एडिशन ऑफ द सबस्ट्रेट तो हमने सबस्ट्रेट ऐड किया एंड सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन होता है अभी यहां पे आप देखिए कि कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा बहुत ही कम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा क्योंकि कुछ ही एंटीबॉडीज हैं जो कोटेड एंटीजन के साथ इंटरेक्ट हुए यहां पे ज्यादा एंटीबॉडी कोटेड एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं हुए एंड इसलिए यहां पे होता ये है कि इन दिस केस ओनली फ्यू एंटीबॉडीज दे विद द कोटेड एंटीजन एज ओनली फ्यू एंटीजन दे आर इंटरेक्टेड देन इन दिस केस हियर देर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा नाउ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन होगा लो कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा क्योंकि लो प्रोडक्ट इसलिए होगा क्योंकि कुछ ही एंटीबॉडी इंटरेक्ट हुए कोटेड एंटीजन से क्योंकि बाकी के तो एंटीबॉडी सैंपल के एंटीजन से इंटरेक्ट हुए एंड वो वॉश आउट हो गए एंड इसीलिए यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस आएगा वो एब्जॉर्बेंस जो होगा वो लो एब्जॉर्बेंस होगा तो यहां पे लो एब्जॉर्बेंस प्रेजेंट होगा सो बोथ एंटीजन आर सेम और डिफरेंट हाँ तो सेम एंटीजेंस होते हैं दोनों भी क्योंकि तो दोनों सेम होंगे तभी तो एंटीबॉडी को बाइंड होंगे बट एक नोन कॉन्सेंट्रेशन है जो हमने कोट किया है एंड एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन है जो सैंपल में कंडीशन तो में एब्जॉर्बेंस जो होगा वो क्या होगा लो एब्जॉर्बेंस होगा एंड लो एब्जॉर्बेंस क्यों होगा क्योंकि फ्यू एंटीबॉडीज ही कोटेड एंटीजन से बाइंड हो गए एंड डेयर फोर इयर कॉम्पिटेटिव इलाइजा में अगर हम डिस्कस करें तो सैंपल में अगर एंटीजन बढ़ता है सैंपल का अगर एंटीजन हाई होगा तो एब्जॉर्बेंस लो आएगा तो लो एब्जॉर्बेंस ये डिटेक्ट करता है कि सैंपल में एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है अगर एब्जॉर्बेंस हाई आता है तो इसका मतलब है कि सैंपल में एंटीजन कम है क्योंकि जितना ज्यादा सैंपल में एंटीजन होगा उतना कम एब्जॉर्बेंस आएगा सो so, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड कि यहाँ पे जो हम एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं वो एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट है एंड ये एंटीबॉडी वो सैंपल के एंटीजन को भी बाइंड हो सकती है एंड कोटेड एंटीजन को भी बाइंड हो सकती है क्योंकि दोनों भी एंटीजन सेम ही देन नहीं निवेदिता निवेदिता हम क्या करते हैं कि हम स्टैंडर्ड प्लॉट प्रिपेयर करके रखते हैं स्टैंडर्ड प्लॉट में हम जैसे जैसे सैंपल का एंटीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस पे डिक्रीज आएगा जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंस पे डिक्रीज आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि सैंपल में एंटीजन कितना है अगर सैंपल में एंटीजन कुछ भी नहीं होगा तो एब्जॉर्बेंस हंड्रेड परसेंट आएगा एंड सैंपल में एंटीजन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस कम आएगा एंड इसलिए ये फर्स्ट स्टैंडर्ड प्लॉट प्रिपेयर किया जाता है एंड जैसे स्टैंडर्ड प्लॉट प्रिपेयर होता है उसके बाद हम वहां पे अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं तो इन कॉम्पिटेटिव इलाइजा सिर्फ इतना ही याद रखना कि कॉम्पिटेटिव इलाइजा में सैंपल में जो एंटीजन है अगर वो कम हुआ तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा आता है एंड अगर सैंपल में एंटीजन ज्यादा हुआ तो एब्जॉर्बेंस कम आता है तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आजिनाथ दिस इज फॉर द क्वांटिटेटिव परपज कि हम क्वांटिटेटिव परपज के लिए करते हैं देन दिस इज द कॉम्पिटेटिव इलायजा सो हियर वी डिटेक्ट द क्वांटिटी ऑफ द एंटीजन विच इज प्रेजेंट इन द सैंपल सो दिस इज द दईर द एंटीजन प्रेजेंट इन द सैंपल लोअर द एब्सॉर्बंस जस्ट ओनली रिमेम्बर दिस थिंग इन द कॉम्पिटेटिव इलाइजा देन सेकेंड तो ये हमने देखा इलाइजा अभी इलाइजा जो है इलाइजा के एडवांटेजेस कौन से कौन से इन द एडवांटेजेस ऑफ इलाइजा दिस इज हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव तो हम एंटीजेन का कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं सेकेंड इट इज इजी टू परफॉर्म एंड क्विक टेक्निक है सेफ है इसलिए हम एलाइजा को ज्यादा प्रेफर करते हैं देन इट कैन बी यूज टू वराइटी ऑफ इन्फेक्शंस हम वराइटी ऑफ इन्फेक्शंस में इसको यूज करते हैं एंड एलाइजा की जो रिएजेंट्स जो है वो रिएजेंट्स दे आर रिलेटिवली तो डिफरेंट इंफेक्शंस को डिटेक्ट करना है एंटीजेंस को डिटेक्ट करना है तो हम एलाइजा को यूज करते हैं अगर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करना है तो भी हम एलाइजा को यूज करते हैं सो आइदर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी वी कैन यूज द एलाइजा देन सेकेंड

को ही डिटेक्ट कर सकते हैं एंड द मोस्टली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं एलाइजा से तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द एलाइजा टेक्निक बट दिस टेक्निक इट इज वाइल्डली यूज टेक्निक जिससे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव पर्पज के लिए हम डिटेक्शन करते हैं नाउ नेक्स्ट की जो टेक्निक है दैट इज रेडियो इम्यूनो एसे इन द रेडियो इम्यूनो एसे यहाँ पे सिमिलर हम एलाइजा की तरह ही देख रहे सिर्फ इलाइजा में हमने एंजाइम को लिंक किया था यहाँ पे हम एंटीजेंस को रेडियो लेबल्ड करते सो हियर वी आर यूजिंग रेडियो लेबल्ड एंटीजन तो रेडियो इम्यूनो एसे इसका मेजर जो भी प्रिंसिपल है तो यहां पे रेडियो लेबल्ड नोन क्वांटिटी ऑफ एंटीजन यूज़ तो जैसे हम इलाइजा में डिस्कस कर रहे थे तो हियर यूज़ ऑफ़ द रेडियो लेबल्ड नोन क्वांटिटी ऑफ द एंटीजन तो ये आप याद रखना यहां पे हम रेडियो लेबलिंग करते नाउ सेकेंड देर इज द कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग तो यहां पे हम यहाँ पे भी सेम इलाइजा की तरह करेंगे दो एंटीजेंस होंगे एक रेडियो लेबल्ड होगा एंड एक अनलेबल्ड होगा रेडियो लेबल्ड नॉन कॉन्सेंट्रेशन एंटीजन है तो यहाँ पे हम रेडियो एंटीजन लेंगे कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है जो हमने ऐड किया है ये नॉन कॉन्सेंट्रेशन है एंड अनलेबल्ड एंटीजन विच इज प्रेजेंट इन दैंपल तो दिस इज प्रेजेंट इन सैम्पल एंड हमें ये चेक करना है कि अनलेबल्ड एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है तो हियर कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग ऑफ रेडियोलेबल एंटीजन विद द अनलेबल्ड एंटीजन दैट वी आर डिटेक्टिव नाउ इन दिस केस दिस टेक्निक इट इज़ हाईली सेंसिटिव टेक्निक तो ये हाईली सेंसिटिव है एंड ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल किसी सैंपल में अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में एंटीजन प्रेजेंट है तो भी ये टेक्निक डिटेक्ट करती है तो जितना ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा इस टेक्निक की सेंसिटिविटी है Now, yes, yes, रिया ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एंड ये हम डिस्कस करेंगे आज लेक्चर में क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम सैंपल में एंटीजन होगा तो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होती है नाउ यहां पे जो भी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड दैट वी कैन डिटेक्टेड जैसे ब्लड में हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं सीरम प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत लो होता है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में होता है वो बहुत ही लो होता है तो इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विटामिस कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड इट इज़ ऑल्सो वेरी लो दैट ऑल्सो वी कैन डिटेक्टेड तो ये मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक है कि जिसको हम यूज कर सकते हैं डिटेक्शन ऑफ द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीजन इन द सैंपल देन हि मोस्टली ये जो टेक्निक फर्स्ट डेवलप हुई थी ये डेवलप इसलिए हुई थी कि डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ इंसुलिन एंड एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्सेस। तो जो साइंटिस्ट यलो थे एंड बर्सन थे उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया फर्स्ट ये जो टेक्निक डिटेक्ट डेवलप हुई थी डिस्कवरी फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंसुलिन एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्सेस तो डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन को डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया गया था तो so, इसमें हम हार्मोन्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं नाउ इस टेक्निक को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हम रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं एंड रेडियो आइसोटोप दे आर द डेंजरस दे कैन कॉज द म्यूटेशंस तो इसलिए यहाँ पे हेल्थ जो भी है वो हेल्थ के जो भी खतरा होता है एंड इसीलिए रेडियो एसोटोप्स वी नॉट यूज एंड फॉर इसको हम अभी यूज नहीं करते बट अभी हम दूसरे टेक्निक्स को यूज करते देन रेडियो ऐसे कि यहाँ पे हम रेडियो लेबलिंग करते हैं एंटीजेंस को नाउ एंटीजेंस दे आर रेडियो लेबल्ड अभी रेडियो लेबलिंग जो किया जाता है यहाँ पे हम एक तो आयोडीन 125 जो भी रेडियो आइसोटोप है तो आयोडीन 125 हम यूज करते हैं एंड आयोडीन 125 ट्वेंटी फाइव को इमिट करता है तो इसको हम यूज़ करते हैं इससे हम एंटीजेंस को लेबल करते हैं और सेकेंड देर इज दी एच तो ट्रीटियम तो ट्रीटियम इट इमिट बीटा रेज़ तो हियर यूज द रेडियो आइसोटोप्स एंड रेडियो आइसोटोप्स में हम आयोडीन यूज करते हैं 125 ट्वेंटी फाइव एंड द थ्री एच डेट इज ट्रीटियम एंड देरपोर ये रेडियो आइसोटोप्स जो रेडियो लेबलिंग के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें हम एंटीजन को रेडियो लेबल कर एंड देन डिटेक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी नाउ हियर इन दिस केस रेडियो इम्यूनो एसे फर्स्ट सपोज ये हम यूज कैसे करते प्रिंसिपल हम डिस्कस करें रेडियो इम्यूनसिका इन द प्रिपल फर्स्ट इफ सपोज अनलेबल एंटीजेन इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सैंपल कि सेम कंडीशन हम जैसे कॉम्पिटेटिव इलाइजा में ले रहे थे सेम कंडीशन हमने यहाँ पर भी लिया कि सैंपल में अनलेबल्ड एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है तो दिस इज सैंपल एंड इन सैंपल अनलेबल एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट बट हमने क्या किया है सैम्पल में हमारे पास दो टाइप के एंटीजन हैं तो यहाँ पे देखो एक तो हमने यहाँ पे एंटीबॉडीज ली है ये जो एंटीबॉडीज हैं इट बाइंड टू द एंटीजेंस तो ये दोनों भी एंटीजन को बाइंड होंगे तो ये सैम्पल के एंटीजन और द रेडियो लेबल एंटीजन तो दिस इज द एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन एंड ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी इट इज़ द अगेंस्ट एंटीजन एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है तो दिस एंटीबॉडी इज द नोन कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी एंड दिस एंटीबॉडी बाइंड टू द एंटीजन अभी हमारे पास एंटीजन जो है वो एक तो रेडियो लेबल एंटीजन है कि जो हमने एड किए एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है दिस इज नोन दिस इज ऑल्सो नोन कॉन्सेंट्रेशन जो रेडियो लेबल एंटीजन है एंड सेकेंड अनलेबल्ड एंटीजन एंड ये तो अननोन नोन कॉन्सेंट्रेशन है बट वो तो सैंपल में प्रेजेंट है तो so यहाँ पे अननोन एंटीजन प्रेजेंट इन सैंपल एंड वी डोंट नो

सैंपल में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था तो एंटीबॉडी को कौन से एंटीजन बाइंड होंगे तो एंटीबॉडी को एंटीजन कौन से बाइंड होंगे सारे रेडियो लेबल्ड एंटीजन ही बाइंड होंगे तो रेडियो लेबल्ड एंटीजन बाइंड टू एंटीबॉडी एंटर नेक्स्ट केस में हियर देयर इज बाइंडिंग ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन टू द एंटीबॉडी सो ऑल एंटीबॉडी interacting with the radio labeled antigen so here radio labeled antigen they are bind to the antibody the radio labeled antigen bind hua abhi jaise hi radio labeled antigen bind hoga to so yaha pe jo radioactivity activity aayegi अगर हम इसको measure करते हैं radioactivity एक्टिविटी को तो रेडियो एक्टिविटी कितनी परसेंट आएगी तो रेडियो एक्टिविटी इज ट क्योंकि सारे रेडियो लेबल एंटीजन ही बाइंड हो चुके हैं एंटीबॉडी को क्योंकि सैंपल में अनलेबल्ड एंटीजन कुछ भी नहीं था एंड इसीलिए जब सैंपल में अनलेबल एंटीजन कुछ भी नहीं होगा तो रेडियो एक्टिविटी जो होगी वो हंड्रेड परसेंट होगी क्योंकि सारे रेडियो रेडियोलेबल एंटीजन इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी क्योंकि एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है एंटीजन जो भी है नॉन रेडियोलेबल एंटीजन उसका कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है तो यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है कि सैंपल में कोई एंटीजन नहीं होगा तो ऑल रेडियोलेबल एंटीजन इट बाइंड टू द एंटीबॉडी नाउ एंड हंड्रेड परसेंट रेडियो एक्टिविटी आएगी नाउ सेकेंड सपोज इन सेकेंड केस इफ सपोज अनलेबल्ड एंटीजन प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट सपोज यहां पे अनलेबल्ड एंटीजन जो है वो लेबल्ड एंटीजन से इक्वल अमाउंट में मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया सैंपल में अनलेबल एंटीजन ज़्यादा प्रेजेंट है अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा जैसे अनलेबल एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा अभी कॉम्पिटिशन होगी तो हियर तो सीयर अभी क्या हुआ अनलेबल्ड एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज तो दिस इज द सैंपल एंटीजन एंड इट इज इंक्रीज़ कॉन्सेंट्रेशन तो हाई एंटीजन प्रेजेंट है नाउ देखो फर्स्ट केस में हमने देखा था कि सैंपल में कोई एंटीजन नहीं था तो रेडियो एक्टिविटी हंड्रेड परसेंट आ रही थी अभी हम बोल रहे हैं कि रेडियो लेवल एंटीजन जितना है उतना ही अनलेबल एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन नाउ दोनों को हमने एड किया तो एड करने के बाद इस कंडीशन में क्या होगा एंटीबॉडी तो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी इट इज कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेबल एंटीजन दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट नाउ एंड अनलेबल एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं बट सपोज हमने मान लिया कि वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में था तो होगा क्या अभी दोनों को हम मिक्स कर देंगे रेडियो लेबल एंड अनलेबल एंड देन इंट्रैक्शन करेंगे तो आगे जाके होगा क्या कि अनलेबल जितना ज़्यादा होगा उतना वो लेबल्ड एंटीजन से कॉम्पिटिशन करेगा अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे दोनों भी इक्वल अमाउंट्स में बाइंड होंगे तो सीयर पहले केस में यहाँ पे बाइंडिंग हुआ रेडियो लेबल्ड का तो अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो रेडियो लेबल एंटीजन इक्वल अमाउंट्स में बाइंड होंगे एंड दिस इज द अनलेबल्ड एंटीजन एंड ये अनलेबल्ड जो एंटीजन है दे आर प्रेजेंट इन दैंपल सैंपल एंड वो भी इक्वल अमाउंट्स में थे तो वो भी इक्वल अमाउंट्स में बाइंड हो गए नगर दोनों इक्वल अमाउंट्स में होंगे तो रेडियो एक्टिविटी में चेंज क्या आएगा तो रेडियो एक्टिविटी क्या होगी ये तो डिक्रीज होगी क्योंकि अभी सारे पोजिशन पर रेडियोलेबल एंटीजन बाइंड नहीं हुआ है तो कुछ ही पोजिशन के ऊपर रेडियोलेबल एंटीजन बाइंड हुआ है एंड कुछ पोजिशन के ऊपर अनलेबल्ड बाइंड हुआ है जहाँ पे अनलेबल्ड एंटीजन बाइंड है वहाँ से रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी एंड डेर फोर यहाँ पे सो so करेक्ट योगेंद्र कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी आएगी वो फिफ्टी परसेंट रेडियो एक्टिविटी आएगी तो इन दिस केस मीन्स फिफ्टी परसेंट क्यों आई तो फिफ्टी परसेंट इसलिए आई क्योंकि सैंपल में अनलेबल्ड एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो जितना ज्यादा सैम्पल में अनलेबल्ड एंटीजन होगा उतनी रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज जितना होगा उतना अनलेबल्ड एंटीजन का कॉन्सनट्रेशन ज्यादा होगा एंड देर फोर यहाँ पे रेडियो इम्यूनसी में सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि अनलेबल्ड एंटीजन जितना ज़्यादा बाइंड होगा रेडियो एक्टिविटी उतनी डिक्रीज होगी

रेडियो एक्टिविटी कितनी डिक्रीज होती है जितना रेडियो एक्टिव डिक्रीज होगा उतना अननोन सैंपल में कॉन्सनट्रेशन जो एंटीजन का होगा वो ज़्यादा होगा तो लेट्स डिस्कस ग्राफ से कि हम ग्राफ से डिस्कस करते हैं जैसे रेडियो इम्यूनो एसे में अभी ये स्टैंडर्ड प्लॉट है अभी इस स्टैंडर्ड प्लॉट में देखो कि पहले यहाँ पे दिस इज द रेडियो लेबर्ड एंटीजन ज रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड दिस इज अनलेबल्ड एंटीजन यह हम साइटोकाइंस का ग्राफ देख रहे हैं। तो रेडियोलेबल्ड एंटीजन एंड साइटोकाइंस एंटीजन यह हम डिस्कस करें अभी देखो अगर अनलेबल्ड एंटीजन अगर जीरो होगा तो अनलेबल एंटीजन जीरो होगा तो रेडियोलेबल्ड एंटीजन कितना बाइंड हो रहा है तो वो सभी जगह पे रेडियो लेबल बाइंड होगा एंड रेडियो एक्टिविटी जो आएगी वो हाइयर आएगी जैसे जैसे अनलेबल्ड एंटीजन बढ़ता चला जा रहा है तो इस ग्राफ को आप इस साइड से रीड करो कि जैसे अनलेबल एंटीजन बढ़ता जा रहा है रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा है और लेबल्ड एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाइंडिंग क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो जितना ज़्यादा अनलेबल कॉन्सेंट्रेशन उतनी डिक्रीज होगी बाइंडिंग विद द रेडियोलेबल एंटीजन एंड जितना कम रेडियो एक्टिव एंटीजन बाइंड होगा इसका मतलब ये होगा कि उतना ज़्यादा अनलेबल एंटीजन है तो सीयर जैसे ग्राफिकल अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम डिस्कस करें तो अगर यहाँ तक का रेडियो लेबल बाइंड हुआ एंटीजन तो इसका मतलब ये है कि सैंपल में अनलेबल एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है एंड सैंपल में अनलेबल एंटीजन कम है इसीलिए रेडियो लेबल एंटीजन ज्यादा बाइंड हो रहा है देखो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो रेडियो लेबल कम बाइंड हो रहा है तो यहाँ तक ही बाइंड हो रहा है मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेडियो लेबल कम बाइंड हो रहा है इसका मतलब यही है कि सैंपल में अनलेबल एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ज्यादा है तो हम पहले स्टैंडर्ड प्लॉट को प्रिपेयर करते कि रेडियो लेबल वर्सेज अनलेबल्ड एंटीजन कितना बाइंड हो रहा है एंड देन हम अनोन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं सैंपल में कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगा तो दिस इज ग्राफ नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू डिटेक्ट अनोन कॉन्सेंट्रेशन तो हमें अभी अन कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करना है एंड आप मुझे बताओगे कि डिटेक्शन करते समय रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी तो अभी आपको बताना है मुझे तो लेट्स डिस्कस सो तो हम स्टैंडर्ड प्लॉट प्रिपेयर करते सपोज तो हमारे पास रेडियो लेबल्ड एंटीजन प्रेजेंट है नाउ ये जो रेडियो लेबल एंटीजन है दिस रेडियो लेबल एंटीजन इट इज नोन कॉन्सेंट्रेशन तो इसको तो हमने रेडियो लेबल किया है कि जैसे 125 आयोडीन से हमने रेडियो लेबल किया है एंड ये एंटीजन नॉन कॉन्सेंट्रेशन है तो नॉन कॉन्सेंट्रेशन है मतलब क्या कि ये एंटीजन सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो so, इस कॉन्सेंट्रेशन को तो हम चेंज नहीं कर रहे तो रेडियोलेबल एंटीजन इट इज इन द सेम कॉन्सेंट्रेशन ये हमें नहीं पता है क्योंकि ये अननोन कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज अननोन अनोन ऑफ द अनलेबल एंटीजन। रेशियो रेडियोलेबल टू अनलेबल कितना होगा ये हम डिटेक्ट करेंगे एंड रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी वो आप मुझे बताओगे कि कितनी होगी नाउ सपोज अगर रेडियो लेबल एंटीजन हंड्रेड है अनलेबल एंटीजन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो रेशो जो होगा कि यहाँ पे रेशो जो है वो वन एस टू जीरो है क्योंकि सारे रेडियो लेबल है अनलेबल कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी वहां पे कितनी परसेंट आएगी रेडियो so, एक्टिविटी कितनी आनी चाहिए जब रेडियो लेबल हंड्रेड एंटीजन होंगे एंड अनलेबल कुछ भी नहीं होगा तो रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी तो रेडियो एक्टिविटी इज दंड्रेड परसेंट तो अगर रेडियो लेबल ही सारे एंटीजन होंगे तो वहां पे हमेशा रेडियो लेबल ही बाइंड होगे। एंड डेयर फॉर रेडियो एक्टिविटी जो आएगी वो हंड्रेड परसेंट आएगी नाउ सेकेंड हा करेक्ट हंसू कि जो पूरी रेडियो एक्टिविटी जो आएगी वो हंड्रेड परसेंट आएगी करेक्ट रूही हंड्रेड परसेंट करेक्ट दीक्षा हंड्रेड परसेंट आएगी रेडियो एक्टिविटी क्योंकि अनलेबल एंटीजन कुछ भी प्रेजेंट नहीं सपोज सैंपल में अनलेबल एंटीजन करेक्ट वीर हंड्रेड परसेंट होगी करेक्ट ऋतुपर्णा हंड्रेड परसेंट कृष्णा मोनिका राकेश प्रीति करेक्ट हंड्रेड परसेंट होगी नाउ करेक्ट नाउ लेट्स डिस्कस कि सपोज अनलेबल्ड एंटीजन बढ़ गया सपोज यहाँ पे अनलेबल एंटीजन 50 आया रेडियो लेबल तो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते वो 100 है अनलेबल फिफ्टीन आया रेशियो जो होगा वो रेशियो कितना होगा टू एच टू वन होगा अभी रेशियो क्योंकि टू टाइम्स ज्यादा रेडियो लेबल्ड है एंड उससे कम अनलेबल्ड है तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी तो इस कंडीशन में अगर रेडियो लेवल हंड्रेड परसेंट होगा एंड अनलेबल फिफ्टी परसेंट होगा फिफ्टी होगा तो रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी तो रेडियो एक्टिविटी अभी डिक्रीज होनी चाहिए एंड रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज कितनी होगी जितना अनलेबल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो यहां पे रेडियो एक्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी रेडियो एक्टिविटी अराउंड सिक्सटी सिक्स परसेंट होगी क्योंकि उतना लेवल एंटीजन नई दहन फिफ्टी परसेंट नहीं होगी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है प्रकाश फिफ्टी परसेंट नहीं होगी मयूर फिफ्टी परसेंट नहीं होगी अनु फिफ्टी परसेंट नहीं होगी राजू फिफ्टी परसेंट नहीं होगी बॉबी फिफ्टी परसेंट नहीं होगी क्योंकि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है रेडियो लेबल ज़्यादा है अनलेबल कम है नई मसूदी नज़ीर फिफ्टी परसेंट नहीं, नहीं होगी पूजा माधुरी यहाँ पे देखो कि रेडियो लेबल्ड हंड्रेड है एंड अनलेबल्ड फिफ्टी है तो यहां पे अभी भी रेडियो लेबल ज्यादा है वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो फिफ्टी परसेंट नहीं होगी तो यहां पे फिफ्टी से ज्यादा होगी क्योंकि रेडियो लेबल ज्यादा है एंड इसीलिए अराउंड सिक्सटी सिक्स परसेंट तक रेडियो एक्टिविटी आती है देन सपोज the फिर से हमने क्या किया अनलेबल्ड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया हंड्रेड किया जैसी हाँ करेक्ट सुचित्रा अराउंड सिक्सटी सिक्स परसेंट तक होगी करेक्ट सुचित्रा करेक्ट नजूरी करेक्ट श्रुति करेक्ट आनंद ये अराउंड सिक्सटी सिक्स होगी तो करेक्ट राकेश इट इज अराउंड सिक्सटी सिक्स परसेंट वेरी गुड नाउ हमने फिर से अनलेबल बढ़ा दिया अभी अनलेबल भी हंड्रेड है रेडियो लेबल भी हंड्रेड है देन अभी रेशो जो होगा वो कितना होगा वन एस टू वन अभी वन एस टू वन रेशो हुआ तो रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी तो आप बताओ मुझे रेडियो एक्टिविटी कितनी आनी चाहिए आप हाँ राजकता, रेडियो इफ वन एस टू वन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वीर, तो अभी यहाँ पे जो रेडियो फिफ्टी परसेंट आएगी करेक्ट हंसू इट इज द फिफ्टी परसेंट रेडियो एक्टिविटी करेक्ट शुभम करेक्ट जाए तो जब इक्वल अमाउंट होगा अनलेबल टू तो रेडियोलेबल देन फिफ्टी परसेंट आएगी एंड इसलिए यहां पे करेक्ट जय इट इज फिफ्टी परसेंट करेक्ट सोमनाथ फिफ्टी परसेंट मनीषा कोमल इट्स गुड वेरी गुड फिफ्टी परसेंट आएगी अभी सपोज अनलेबल एंटीजन फिर से बढ़ गया सपोज यहाँ पे मैंने टू हंड्रेड किया तो करेक्ट प्रीति वेरी गुड फिफ्टी परसेंट होगी अभी मैंने अनलेबल फिर से बढ़ा दिया अभी यहाँ पे जो रेशो क्या है वन एच टू टू रेशो है रेडियो लेबल टू अनलेबल्ड अभी मुझे बताओ रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी अभी वन एच टू टू रेशो है तो रेडियो एक्टिविटी कितनी आनी चाहिए करेक्ट अमूल्य सुष्मिता माधुरी करेक्ट फिफ्टी परसेंट होगी पहले वाली अभी की मुझे बताओ कि जब रेशो वन एच टू टू होगा रेडियो लेबल टू अनलेबल्ड का तो अगर अनलेबल्ड एंटीजन टू हंड्रेड होगा तो रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी करेक्ट करिश्मा इट इज थर्टी थ्री परसेंट सो वेरी गुड तो थर्टी थ्री परसेंट आएगी वेरी गुड करिश्मा तो ये रेडियो एक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई करेक्ट रूही अराउंड थर्टी थ्री परसेंट आएगी क्योंकि अभी अनलेबल्ड ज़्यादा है एंड रेडियो लेबल कम है एंड इसलिए अभी रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है थर्टी थ्री परसेंट आ गए करेक्ट दीक्षा थर्टी थ्री करेक्ट सुमन राकेश वेरी गुड थर्टी थ्री परसेंट आएगी नाउ सपोज अगेन हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया अनलेबल्ड हमने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया फाइव हंड्रेड किया करेक्ट योगेंद्र थर्टी थ्री मनोज कुमार थर्टी थ्री राम थर्टी थ्री प्रीति थर्टी थ्री वेरी गुड वेरी गुड ज्योति प्राजक्ता नौ जैसे हमने अनलेबल बढ़ा दिया अनलेबल बढ़ाने के बाद अभी रेशियो जो हुआ वन एच टू फाइव हो गया अभी मुझे बताओ रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी तो अनलेबल एंटीजन फिर से बढ़ गया है तो रेडियो एक्टिविटी कितनी आनी चाहिए अनूप अभी अभी की रेडियो एक्टिविटी मुझे बताओ कि अगर 500 हमने अनलेबल लिया है तो रेडियो एक्टिविटी कितनी आनी चाहिए तो इस केस में तो 500 लिया तो कितनी आनी चाहिए हाँ? तो हियर विल बी अराउंड इफ वी इंक्रीज फाइव टाइम्स अनलेबल रेडिएक्टिविटी विल बी अराउंड हाँ निवेदिता करेक्ट सिक्सटीन परसेंट तो अराउंड सिक्सटीन परसेंट तक रेडियो एक्टिविटी आएगी करेक्ट जीनत सिक्सटीन करेक्ट बॉबी अराउंड सिक्सटीन परसेंट तक आएगी बॉबी करेक्ट है ट्वेंटी अराउंड सिक्सटीन तक रत्ना अराउंड सिक्सटीन सोमनाथ सोमनाथ अराउंड सिक्सटीन आएगी तो ये वेरी गुड कि ये अराउंड 16 तक आएगी प्रतीक्षा वेरी गुड बिकॉज फाइव टाइम्स अनलेबल एंटीजन ज्यादा है तो उतने टाइम्स रेडियक्टिविटी डिक्रीज होगी नाउ सपोज हमने फिर से अनलेबल एंटीजन बढ़ा दिया थाउजेंड टाइम्स जो है वो थाउजेंड किया मीन्स वन एच टू टेन अभी हमने रेसो किया तो वन एच टू टेन किया करेक्ट निशा मनीषा मानसी इट्स वेरी गुड किस अराउंड सिक्सटीन परसेंट आएगी उसके बाद अगर हम वन एस टू टेन करते तो कितना परसेंट रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज होगा तो अभी अगर हम थाउजेंड करते हैं तो कितना आएगा अनलेबल एंटीजन को हमने फिर से बढ़ा दिया है तो थाउजेंड क्या है तो रेडियो एक्टिविटी में चेंज कितना आएगा तो करेक्ट प्रीति अभी का बताओ मुझे प्रीति कि अनलेबल एंटीजन थाउजेंड है तो कितना आएगा करेक्ट सो अराउंड नाइन परसेंट वेरी गुड नरेंद्र वेरी गुड क्या अराउंड नाइन परसेंट जो है वो रेडियो एक्टिविटी आएगी रूही नाइन परसेंट करे कृष्णा नाइन निर्मला नाइन वेरी गुड तो ये अराउंड नाइन परसेंट तक रेडियो एक्टिविटी जो है वो दिखाई देगी अगर अनलेबल एंटीजन थाउजेंड लिया हमने वेरी गुड राकेश वेरी गुड अनूप वेरी गुड दीपक नाउ यहाँ पे एंड सपोज अगर मैंने और एंटीजन बढ़ा दिया तो टू थाउजेंड किया अनलेबल एंटीजन एंड जो वन एस टू ट्वेंटी हमने रेशो लिया है रेडियो लेबल टू अनलेबल तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी तो इस कंडीशन में हाउ मच रेडियो एक्टिविटीज प्रेजेंट हाँ अभी का मुझे बताओ प्राजक्ता सुष्मिता करेक्ट है वो नाइन परसेंट अभी अगर हमने टू थाउजेंड किया तो रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी तो हियर इफ वन एस टू ट्वेंटी रेशो होगा रेडियो एक्टिविटी कितनी आनी चाहिए अभी क्या बताओ मुझे इफ अनबल एंटीजन टू थाउजेंड देन हाउ मच रेडियो एक्टिविटी हाँ संतोष सुचित्रा करेक्ट सो अराउंड थ्री परसेंट तक रेडियो एक्टिविटी जो है वो दिखाई देती है सो अराउंड थ्री परसेंट तक ही जो आपका कैलकुलेशन करके देखना करेक्ट सोमनाथ so, अराउंड थ्री परसेंट ज्ञानेश्वर जीनत कोमल माधुरी रत्ना करेक्ट अराउंड थ्री टू फोर परसेंट जो है वो रेड एक्टिविटी दिखाई देगी तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्लॉट कि अगर हम रेडियो लेबल्ड एंटीजन को वेरी गुड दंजीत रवन योगेंद्र सुष्मिता वेरी गुड विलास तो यहाँ पे अराउंड अगर हम रेडियो लेबल्ड एंटीजन तो कॉन्स्टेंट रहेगा अनलेबल एंटीजन देखो जैसे अनलेबल एंटीजन बढ़ता चला जा रहा है अनलेबल एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे ही रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा है डिक्रीज so, so, कि रेडियो एक्टिविटी तो अनलेबल एंटीजन तो देखो सेंसिटिविटी कितनी है उस टेस्ट की तो सेंसिटिविटी वेरी गुड रोई पिंकी मानसी अभी देखो सेंसिटिविटी कितनी है सेंसिटिविटी में अगर अनलेबल एंटीजन ज्यादा होगा टू थाउजेंड तो रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी थ्री परसेंट मतलब जितना अनलेबल ज़्यादा उतना रेडियो एक्टिव उतनी रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज तो अगर हमने सैम्पल की रेडियो एक्टिविटी चेक की एंड हमें पता चला कि थ्री परसेंट आ रही है तो अनलेबल एंटीजन कितना होगा सैंपल में तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर थ्री परसेंट रेडियो एक्टिविटी आ रही है तो अनलेबल एंटीजन कितना है अराउंड टू थाउजेंड हो सकते देन अभी देखो कि अगर सैंपल में कुछ भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इफ़ सैंपल कंटेंस नो एंटीजन अनलेबल एंटीजन देन रेडियो एक्टिविटी कितनी आएगी 100 परसेंट तो हम डायरेक्टली रेडियो एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि हाँ हंड्रेड परसेंट रेडियो एक्टिविटी थी मतलब अनलेबल एंटीजन जो है वो नहीं है अगर फिफ्टी परसेंट रेडियो एक्टिविटी आती है तो हम अनलेबल एंटीजन दे सकते हैं तो वो कितना है हंड्रेड है तो एक बार हमने स्टैंडर्ड प्लॉट प्रिपेयर किया तो इससे हम रेडियो एक्टिविटी से भी देख सकते हैं कि अनलेबल्ड एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा तो दिस इज द अनलेबल्ड एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन दैट वी डिस्कस तो दिस इज द रेडियो इम्यून ऐसे तो रेडियो इम्यून में हम कॉम्पिटिशन करते हैं विथ रेडियो एक्टिव एंटीजन रेडियो लेबल एंटीजन विथ द अनलेबल्ड एंटीजन तो ये आपको समझ में आया रेडियो इम्यून ऐसे तो नाउ इन द रेडियो इम्योनाइसि तो अनलेबल एंटीजन तो सपोज हमारे पास सैंपल्स है कि सपोज हमें रेडियो इम्यूनाइसे करना है एंड रेडियो इम्यूनाइ से हमें डिटेक्ट करना है एंटीजन का कॉन्सनट्रेशन सपोज हमारे पास सैंपल है सपोज सैंपल ए प्रेजेंट है सैंपल बी प्रेजेंट है अभी सपोज सैंपल प्रेजेंट है एंड हमने चेक किया कि इसका रेडियो एक्टिविटी कितना आता है तो हाँ लवली मिश्रा हम अभी देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हम पहले रेडियो एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं इन सी पी एम एंड देन वी डायरेक्टली डिटेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन नवसी हमारे पास दो सैंपल्स हैं एंड इन सैंपल्स की रेडियो एक्टिविटी हमने चेक की सपोज सैंपल ए की जो रेडियो एक्टिविटी है वो आई परसेंट सपोज सैंपल एक ही रेडियो एक्टिविटी आई 66 परसेंट तो मुझे आप बताओ अगर रेडियो एक्टिविटी 66 परसेंट आती है तो उस सैंपल में अनलेबल एंटीजन कितना होगा तो अगर 66 परसेंट रेडियो एक्टिविटी आती है तो अनलेबल एंटीजन कितना होगा तो आपके पास ग्राफ पे आपके सामने ग्राफ पे ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर रेडियो एक्टिविटी दिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर अनलेबल एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है मैंने सैंपल लिया सैंपल की रेडियो एक्टिविटी चेक की अभी सैंपल की रेडियो एक्टिविटी आई सिक्सटी सिक्स परसेंट तो मुझे बताओ अनलेबल एंटीजन कितना होना चाहिए तो इफ रेडियो एक्टिविटी सिक्सटी सिक्स परसेंट देन अनलेबल एंटीजन कितना करेक्ट राकेश फिफ्टी होना चाहिए तो वेरी गुड राकेश कि अगर सिक्सटी सिक्स परसेंट आती है तो अनलेबल एंटीजन कितना होना चाहिए फिफ्टी करेक्ट प्रतीक्षा करेक्ट नरिंदर करेक्ट वीरू करेक्ट निर्मला वेरी गुड संतोष ज्योति जिनत सोम सोमिन वेरी गुड राजू रियाज जय वेरी गुड वेरी गुड प्रीति प्राजक्ता सोनी तो दिस इज द रेडियो करेक्ट ज्ञानेश्वर तो यहाँ पे देखो सैंपल में अगर 66 परसेंट रेडियो एक्टिविटी आती है तो 66 परसेंट मतलब अनलेबल एंटीजन जो होगा वो कितना होना चाहिए 50 परसेंट तो यहाँ पे हमें आंसर आ गया कि अनलेबल एंटीजन इट शुड बी 50 तो वेरी गुड कि 50 अनलेबल एंटीजन होगा अगर सैंपल में 66 सिक्स परसेंट रेडियो लेबल रेडियो एक्टिविटी आती है सो अनलेबल एंटीजन इज द फिफ्टी तो ये हमने डिटेक्ट किया तो so, हमारे पास स्टैंडर्ड ग्राफ है तो स्टैंडर्ड ग्राफ से हम डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी चेक करो उससे डायरेक्टली डिटेक्ट करो कि वहां पे अनलेबल एंटीजन कितना होगा सपोज सैंपल बी लिया एंड सैंपल बी में हमने रेडियो एक्टिविटी चेक की एंड सैंपल बी के रेडियो एक्टिविटी आ गई सपोज नाइन परसेंट अगर सैंपल बी के रेडियो एक्टिविटी नाइन परसेंट आती है तो अनलेबल्ड एंटीजन कितना होना चाहिए 9% आती है तो अनलेबल एंटीजन कितना होना चाहिए इप, आती, 9 आती है sample B की तो, antigen कितना तो, 9 है, तो कितना होना चाहिए? बताइए जल्दी से 9% नाइन परसेंट कितना होना चाहिए करेक्ट करेक्ट करिश्मा थाउजेंड करेक्ट नाजिर थाउजेंड सो अगर नाइन परसेंट आती है तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कितनी आनी चाहिए थाउजेंड आनी चाहिए सो इफ नाइन परसेंट तो अभी आप करेक्ट नाजोरी करेक्ट राकेश करेक्ट मयूर निर्मला सोमनाथ हंशु वेरी गुड वेरी गुड राजू संतोष कांता जीनत वेरी गुड थाउजेंट आनी चाहिए तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि अगर हमें रेडियो इम्यूनो ऐसे से अगर कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करना है करेक्ट रूही करेक्ट किरण करेक्ट डीके करेक्ट कांचन करेक्ट राम करेक्ट सुष्मिता करेक्ट पिंकी प्राजक्ता वेरी गुड करेक्ट मनोज कुमार तो वेरी गुड तो ये थाउजेंड आनी चाहिए तो यहाँ पे हम रेडियो इम्यूनो ऐसे से हम डायरेक्टली डिटेक्ट करते तो अभी देखो सेंसिटिविटी कितनी है अनलेबल एंटीजन अगर जीरो है तो रेडियो एक्टिविटी हंड्रेड परसेंट आएगी वो अनलेबल एंटीजन अगर नहीं होगा तो रेडियो एक्टिविटी हंड्रेड परसेंट आएगी क्योंकि सभी जगह पे रेडियो लेबल होगा एंड अगर अनलेबल ज्यादा है टू थाउजेंड है तो रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो लो रेडियो एक्टिविटी अगर आती है तो इसका मतलब यही होता है कि अनलेबल एंटीजन जो है वो ज्यादा है एंड हाई रेडियो एक्टिविटी इसका मतलब ये है कि अनलेबल्ड एंटीजन जो है वो बहुत ही कम है इसलिए हाई रेडियो एक्टिविटी आ रही है। तो हम स्टैंडर्ड प्लॉट प्रिपेयर करते करेक्ट निकिता करेक्ट दीक्षा करेक्ट प्रीति इट्स द दियर तो हमने ये डिस्कस किया कि रेडियो इम्यूनो इम्यूनासी से हम वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन तो जितना ज़्यादा सैंपल में एंटीजन कम होगा उतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी So, हम स्टैंडर्ड प्लॉट प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड प्लॉट प्रिपेयर करके हम वहां पे डिस्कस करते हैं कि वहां पे अनलेबल्ड एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा तो देयर फॉर दिस इज वेरी हाईली सेंसिटिव टेक्निक तो जो हमने डिस्कस किया नाउ ये आपको समझ में आया रेडियो इम्यून ऐसे तो इट्स वेरी सिंपल टेक्निक जो हमने डिस्कस की नाउ नेक्स्ट इन द रेडियो द एडवांटेजेस of the radio immunoassay a ah, rakesh it's correct so here approximately radio immunoassay mein ek chuk kar aata hai wo linear aata hai jisse hum detect kar sakte hain now in this case here there is the हाँ मतलब according to graph हमने दिया तो ये हमने random लिया था graph अकीरा इट्स करेक्ट सो अराउंड थाउजेंड तक आनी चाहिए जैसे अगर हम कैलकुलेटरी देखे कैलकुलेशन वैसे तो करेक्ट नाउ इन दिस केस रेडियो में से एडवांटेज तो इन द एडवांटेजेस हियर दिस इज द हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेक्निक ये हाईली सेंसिटिव है तो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं सेकेंड डिटेक्शन ऑफ एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट नॉट नॉट वन माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और लेस तो इससे कम एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि तो ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है दिस इज हाईली सेंसिटिव एंड अ स्पेसिफिक टेक्निक करेक्ट इट्स हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इट कैन बी फ्लेक्सिबल टेक्निक ये सारे एडवांटेज हैं बट एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू एडवांटेज अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो इस एडवांटेजेस इट इज द टॉक्सिटी टॉक्सिसिटी अगर हम डिस्कस करें तो टॉक्जिसिटी में यहाँ पे रेडिएशन हजार्स होते हैं सो रेडियो लेबल अगर एंटीजेंस है तो रेडियो लेबल एंटीजेंस है यहाँ पे रेडियो uh, लेबल अगर हम यूज करते हैं तो रेडियो लेबलिंग से वहां पर रेडियो आइसोटोप्स होते तो, तो, है तो वो रेडियशन से मिट्ट करते हैं तो जैसे गैमा रेज है तो वो सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड ब्रेक करते हैं डीएनए में, तो देर फॉर देर आर हजारडस इट कैन बी कॉजिंग कार्सिनोजेनिक म्यूटेशर फॉर हियर देर इज वी कैन यूज द रेडियो लेबलिंग तो रेडियो लेबलिंग अगर हम करते हैं तो इट्स इस हजार एंड देर फोर ड्यू टू टॉक्जिसिटी ड्यू टू काजिंग म्यूटेशन हम ये टेक्निक को अभी प्रेफर नहीं करते मोस्टली तो इसके जगह पे हम सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस को प्रिपेयर करते हैं प्रेफर करते हैं हियर रेडियो आइसोटोप्स यूज तो एज कम्पेयर टू रेडियो आइसोटोप्स इफ अगर हम एंजाइम यूज करें तो एंजाइम यूज करने के बाद भी ये मेजर कि जो एंजाइम्स हम यूज कर सकते हैं जैसे इलाइजा तो इलाइजा बेस्ट वे है एज कम्पेयर टू रेडियो इम्यूनो इम्योनाइस क्योंकि इलाइजा में हम एंजाइम यूज करते हैं जो नॉन टॉक्सिक है वहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं वो भी नॉन टॉक्सिक है एंड डिस्पोजल कॉस्ट क्योंकि वो रेडियो आइसोटोप से तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है रेडियो इम्यूनो एसिड तो ये हमने रेडियो इम्यूनो एसिड को हमने डिस्कस किया अभी यहाँ पे हमने आज के टॉपिक जो है वो कम्प्लीट किए दैट इज इलाइजा एंड द रेडियो इम्यूनो एसिड रिया हमने कम्प्लीट किया है नाउ इसका जो भी आज कंटेस्ट होगा सो कंटेस्ट ट्वेंटी टू उसके क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करना आप इस लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज करना इलाइजर टेस्ट को भी रिवाइज करना रेडियो को भी अच्छे से रिवाइज करना एंड अगर कोई डाउट्स होगा इन टेस्ट के बारे में तो आप कल पूछ सकते हो तो थैंक यू सो मच